महामारी भारी सियासत जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। दुनिया की सबसे बड़ी महामारी ने मुंबई को जकड़ लिया है। मायानगरी में अब तक कोरोना के 30,000 से ज्यादा मरीजों की संख्या सिर्फ मुंबई में पहुंच गई है। हालात ऐसे हो गए हैं कि उद्धव सरकार के एक और मंत्री अशोक चव्हाण कोरोना की वजह से बीमार हो गए। हालांकि कोरोना के बढ़ते मामले के पीछे आदित्य ठाकरे ने टेस्ट और ट्रेसिंग को बताया है। इन सब के बीच आज से मुंबई में विमान सेवा की भी शुरुआत हो गई है। भागती दौड़ती मुंबई की रफ्तार बेशक धीमी हो गई है, लेकिन देश भर में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस यही फुल स्पीड से गाड़ी दौड़ा रहा है, कहर बरपा रहा है, मुंबई के लोगों को बीमार कर रहा है। ऐसा हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, ये आंकड़े बताने के लिए काफी हैं। 30,000 से ज्यादा लोग अकेले मुंबई में कोरोना के शिकार हो गए हैं। दुनिया के सबसे खतरनाक महामारी के चक्रव्यूह में जो फंसा वो बीमार हो गया, चाहे बात आम मुंबईकर की हो या फिर किसी खास की। इसी बीच उद्धव सरकार के एक और मंत्री कोरोना पॉजिटिव हो गए। इससे पहले जितेंद्र आह्वाड कोरोना की वजह से बीमार हो गए थे। हालांकि वो इस वायरस को हरा कर अब घर पर ही आराम कर रहे हैं। कोरोना वायरस का चक्र ऐसा है, देश भर में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज अगर किसी शहर में हैं, तो वो मुंबई में हैं। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 1,725 नए मामले आए हैं। इस तरह अब तक 30,542 कोरोना के मरीज सिर्फ मुंबई में ही हो गए हैं। वहीं 24 घंटे में 39 मौतों के बाद यह आंकड़ा 988 तक पहुंच गया है। हालांकि मुंबई के गार्जियन मंत्री आदित्य ठाकरे का कहना है कि आंकड़ों पर मत जाइए, हमारी व्यवस्था पूरी तरह से पुख्ता है। हमारी पूरी टीम इसमें लगी हुई है, जो भी सोशल मीडिया पे आता है हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, इमीडिएटली एक्ट करते हैं। हर जगह बीएमसी के सारे जो अफसर है, पुलिस के अफसर है, ये सारे काम में व्यस्त है और ये इतने ही देख रहे कि किसी भी नागरिक को तकलीफ ना हो, चाहे वो माइग्रेंट लेबर क्यों ना हो या फिर मुंबई कर या थाने कर या सोलापुर कर क्यों ना हो। मुंबई में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के पीछे उद्धव सरकार का दावा है कि मुंबई में जितने कोरोना के टेस्ट हो रहे हैं उतने किसी दूसरे राज्यों में नहीं हो पा रहे हैं। मुंबई में कोरोना के 3500 सैंपल की रोजाना टेस्टिंग हो रही है। मुंबई के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र में 13,000 से ज्यादा रोजाना टेस्टिंग हो रही है। वहीं दिल्ली में रोजाना 1700 से ज्यादा सैंपल्स की टेस्टिंग हो रही है, जबकि गुजरात में रोजाना करीब 3,000 सैंपल को टेस्ट किया जा रहा है। बिहार में भी अब रोजाना करीब 3,000 टेस्ट किए जा रहे हैं। असम में फिलहाल 2500 टेस्ट किए जा रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि मुंबई में कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे योद्धा भी बड़ी संख्या में बीमार हो गए हैं। मुंबई में अब तक 1,575 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, वहीं 183 अफसर कोरोना की वजह से बीमार हैं। मुंबई पुलिस की आप बात करें तो मुंबई पुलिस में भी जो संक्रमण है पुलिस में वो काफी ज्यादा था। एक पुलिस स्टेशन जेजे मार्ग पुलिस स्टेशन से ही 46 लोग पॉजिटिव पाए गए थे, जिसमें से 23 पुलिसमैन डिस्चार्ज होकर अपनी ड्यूटी रेज्यूम कर चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के जितने मामले उसमें आधे से ज्यादा अकेले मुंबई में हैं। इसी से निपटने के लिए राज्य सरकार ने मुंबई जैसे शहर में अस्थायी सेंटर बनाना शुरू किया है। इसी प्रक्रिया के तहत जून के पहले हफ्ते तक 9,000 बेड तैयार हो जाएंगे। वहीं प्राइवेट अस्पताल के 80% बेड को भी राज्य सरकार ने कोरोना मरीजों के लिए ले लिया है। जो क्वारंटाइन फैसिलिटी है वो CC1 होती है, CC2 आइसोलेशन बेड्स है। हम ऑक्सीजनेशन भी दे रहे हैं, वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स वगैरह काफी सारी मशीनें हैं वो लगा रहे हैं, ICU बेड्स हम क्रिएट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम कर रहे हैं, मेयर साहिबा भी है, म्यूनिसिपल कमिश्नर है, ये सारी एक पूरी टीम बनी हुई है और हम सब इसी काम में जुड़े हैं। कोरोना के इस खतरे के बीच मुंबई ने आज 60 दिनों के बाद टेक ऑफ किया। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई से सिर्फ 25 फ्लाइट को ही उड़ने और 25 फ्लाइट को ही लैंड करने की इजाजत दी। हालांकि पहले दिन किसी की फ्लाइट कैंसिल हो गई तो किसी को फ्लाइट टिकट मिलने के बाद भी अफरा तफरी का सामना करना पड़ा।
लगभग दो महीने के बाद आज देश में डोमेस्टिक फ्लाइट सेवाएं शुरू हो रही है। इस वक्त हम मुंबई के एयरपोर्ट पर मौजूद है और यहाँ के ताज़ा हालात देखिए। आज मुंबई एयरपोर्ट पर सिर्फ और सिर्फ 25 फ्लाइटें लैंड होगी और टेक ऑफ करेगी। सोशल डिस्टेंसिंग का कैसे जो है फॉलो किया जा रहा है वो देखिए। तीन लेयर्स बनाए गए हैं, कुछ ही गेट्स को खोला गया है। मुंबई एयरपोर्ट देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट और सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट इसे कहा जाता है। आहिस्ता आहिस्ता फ्लाइट सेवा भी बहाल हो गई है, ट्रेनें भी चलने लगी है। लॉकडाउन के इस चौथे फेज में कई छूट मिलने लगी, लेकिन कोरोना मुंबई को जकड़ता जा रहा है। लिहाजा लोगों को सख्ती से कोरोना से बचने के नियमों का पालन करना ही होगा। मुंबई से सौरभ बक्तानिया, मुस्तफा शेख के साथ साहिल जोशी, आज तक। दरअसल देश भर में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में ही आए हैं और ये आंकड़े डरा रहे हैं। इसी बढ़ते आंकड़े पर सियासत भी शुरू हो गई है। हालांकि उद्धव ठाकरे का दावा है कि जितना अनुमान था उससे काफी कम है कोरोना के मामले, लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर है। कोरोना के इसी चक्रव्यूह में फंसा है महाराष्ट्र। भारत के मैप में कोरोना के आंकड़े में नंबर वन पर है महाराष्ट्र। ये आंकड़े बता रहे हैं कि महाराष्ट्र दूसरे राज्यों की तुलना में कोरोना से कितना ज्यादा संक्रमित है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते आंकड़े से हर कोई चिंतित भी है। 3041 नए केस आने के बाद ये आंकड़ा 50,231 तक पहुंच गया है। वहीं अब तक 1,635 लोगों ने कोरोना की वजह से पूरे राज्य में जान गंवा दी है। हालांकि 14,600 लोग कोरोना को मात देकर ठीक भी हुए हैं। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की माने तो ये तो अनुमान से काफी कम है। 47,000-13,000 जवळपास 33,000 रुग्ण हे आज आपले महाराष्ट्र मध्ये 25,000 25,000 रुग्णांची शक्यता होती, तीच आज महाराष्ट्र मध्ये प्रत्यक्ष ऍक्टिव्ह केसेस ज्याला म्हणतो रुग्ण हे 33,786 आहेत। हे कशामुळे शक्य झालं? हे तुमच्यामुळे शक्य आहे। तुम्ही जी काही एक शिस्त पाळली, जी हिम्मत दाखवली, अगदी तुमच्या मनाविरुद्ध असलं तरी, म्हणजे काही वेळेला मला आता हुकुमशहा झाल्यासारखं वाटते की अरे घर के बाहेर निकल के देख। उद्धव सरकार भले ही इसके पीछे जो भी दलील दे, लेकिन बीजेपी से राज्य सरकार की लगातार नाकामी बता रही है। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर 22 मई को ही सियासी विरोध शुरू हो गया। बीजेपी ने कोरोना काल में बदइंतजामी के लिए उद्धव सरकार को घेरा। जनता की वेदना को सामने लाना, ये अगर राजनीति होगी तो हम जरूर ऐसी राजनीति करेंगे। यहाँ पर जो सरकार है उसकी तीनों पार्टियां रोज केंद्र सरकार पर छिटाकशी करती है। उन्होंने कोई बात कही तो प्रवचन और हमने कोई बात कही तो राजनीति, ऐसे कैसे होगा? हम तो जनता की वेदना को रखेंगे। ये ऐसी सरकार है जो सेलिब्रिटी ट्वीट कर कर के अपने आभासी जगत में पूरे तरीके से मशगूल है, लेकिन जनता की वेदना उनको पता नहीं है। जनता की वेदना रखने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी ही। महाराष्ट्र में मुंबई नगर निगम ही नहीं, दूसरे नगर निगम भी कोरोना की वजह से रेड जोन बना हुआ है। पुणे, सोलापुर, औरंगाबाद, मालेगांव, नासिक, धुले, जलगांव, अकोला, अमरावती जैसे नगर निगम रेड जोन के दायरे में हैं। जाहिर है यहां कोरोना की वजह से खतरा ज्यादा है। कोरोना की वजह से महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था का पहले ही भट्टा बैठ गया है। अगर इसके संक्रमण को जल्द नहीं रोका गया तो ये सबसे बड़ा सिरदर्द बन सकता है, क्योंकि देश के जीडीपी में महाराष्ट्र का योगदान सबसे ज्यादा है। साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। महाराष्ट्र में प्रवासी श्रमिकों पर भी सियासत का पहिया तेजी से घूम रहा है। बेचारे श्रमिक अपने घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारें सियासत करने का इंतजार नहीं करना चाहती। इस बीच योगी ने भी महाराष्ट्र सरकार की पोल खोली तो शिवसेना आग बबूला हो गई। आंखें पथरा गई, सोचते सोचते लॉकडाउन के 60 दिन बीत गए, लेकिन अब भी इंतजार है महाराष्ट्र से हजारों मजदूरों को अपने अपने घर लौटने का। अब तो श्रमिक एक्सप्रेस भी दौड़ने लगी है, लेकिन बेचारे मजदूरों का नंबर कब आएगा? मजदूरों की इस बेबसी की पटरी पर सियासत की ट्रेन दौड़ने लगी। कल देर रात ही रेल मंत्री पीयूष गोयल ने
ट्वीट करके उद्धव ठाकरे को जगा दिया। महाराष्ट्र से श्रमिक एक्सप्रेस के जरिए सफर करने वाले लोगों की लिस्ट मांग ली। हम महाराष्ट्र को 125 श्रमिक स्पेशल ट्रेन देने को तैयार हैं। जैसा कि आपने बताया कि आपके पास श्रमिकों की लिस्ट तैयार है, ऐसे में आप एक घंटे में मध्य रेलवे के महाप्रबंधक को लिस्ट सौंप दें, जिससे हम ट्रेनों को समय पर चला सकें, पहले की तरह ट्रेन को खाली ना जाना पड़े। रेल मंत्री पीयूष गोयल के इस ट्वीट के बाद उद्धव ठाकरे के करीबी संजय राउत ने जवाबी हमला किया। महाराष्ट्र ने जितनी मांग की थी रेलवे ट्रेन की, उतनी नहीं मिल पाई है। इस बारे में अगर सरकार की तरफ से कोई टिप्पणी की है तो उसमें कोई इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। और देखो, लाखों मजदूरों को महाराष्ट्र सरकार ने अपने गांव, अपने घर, अपने प्रदेश में पहुंचाया है, ये बड़ी बात है। जब पूरी दुनिया कोविड-19 से जूझने में लगातार व्यस्त है, उसी वक्त महाराष्ट्र में राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे का साथ देने के बजाय एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोलने में लगी है। जिस वक्त महाराष्ट्र में सभी पार्टियों को एक साथ मिलकर कोविड-19 से जूझना चाहिए, तब हर मुद्दे को राजनीतिक बनाने में वो व्यस्त है। ऐसे में जो जनता कोविड-19 आउटब्रेक से जूझ रही है, उनमें सही संदेश नहीं जा रहा। उद्धव सरकार का दावा है कि पैसेंजर की लिस्ट एक दो दिन पहले मुहैया कराने का जिक्र गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस में नहीं है, बावजूद उन्होंने लिस्ट थमा दी है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये राजनीति का टाइम नहीं है। कोणी राजकारण करू नये, अजिबात करू नये। राजकारण जर का सुरू केलं, मग तुम्ही केलं म्हणून आम्ही केलं, तुम्ही केलं तरी आम्ही नाही करणार। फक्त राजकारण म्हणून राजकारण करायचं हे महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला शोभेचं नाहीये, अजिबात नाहीये। 80 ट्रेन्स आपण रोज मागतोय, पण 30 ते 40 मिनिटं आहेत। ट्रेन्स आपली क्षमता आहे, तुम्ही ट्रेन्स आम्हाला द्या। आम्ही आमच्याकडनं सगळ्या ह्या मजुरांची आता आपण नीट व्यवस्था केलेली आहे, त्यांना व्यवस्थित त्यांची नोंदणी करून अत्यंत चांगल्या पद्धतीने, आणि ते सुद्धा घरी परत जाताना आपल्या राज्य सरकारचा जय जयकार करत जात आहेत। महाराष्ट्र सरकार जिंदाबाद। महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में श्रमिक रहते हैं जो अब घर लौट रहे हैं। मजदूरों की बड़ी संख्या को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने रेल मंत्रालय से 40 ट्रेन की मांग की। वहीं 157 ट्रेन की अर्जी केंद्र के पास लगा चुकी है। श्रमिकों के मामले में उद्धव पर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी निशाना साधा। रेल मंत्रालय की ओर से महाराष्ट्र सरकार को 525 ट्रेनें दी गई, जिसमें 7,30,000 श्रमिकों ने प्रवास करके वे अपने घर गए हैं। जितनी ट्रेनें लगातार मांगी जा रही है, स्वयं रेल मंत्री उसमें ध्यान देते हैं और ट्रेनें मिलती है। कई बार रात को लेट लिस्ट आती है तब भी ट्रेनें दी जाती है। इसलिए जो बयान माननीय मुख्यमंत्री जी ने या शिवसेना के सांसदों ने किया है, वो कोरी राजनीति है। मजदूरों पर सियासी घमासान की नींव यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले ही रख दी थी, जब बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों के महाराष्ट्र से लौटने की बदहाली की खबरें सामने आई। योगी ने उद्धव ठाकरे को घेरते हुए पूछा था कि अगर महाराष्ट्र बसों और ट्रेनों में सारी सुविधाएं देकर 4,00,000 प्रवासी मजदूरों को रवाना कर चुकी है, तो फिर महाराष्ट्र की सड़कों पर भूखे प्यासे पैदल जाते मजदूरों की तस्वीरें क्यों दिखाई पड़ रही हैं? एक भूखा बच्चा ही अपनी माँ को ढूंढता है। अगर महाराष्ट्र सरकार ने सौतेली माँ बनकर भी सहारा दिया होता, तो महाराष्ट्र को गढ़ने वाले हमारे उत्तर प्रदेश के निवासियों को प्रदेश वापस नहीं आना पड़ता। योगी का ये ट्वीट शिवसेना नेता संजय राउत को नस्तर की तरह चुभ गया, जिसके बाद वो आपा खो बैठे और सीएम योगी की तुलना हिटलर से कर डाली। सामना में अपने कॉलम में राउत ने लिखा, सीएम योगी ने यूपी में प्रवासियों के खिलाफ जो अत्याचार किए, वो यहूदियों के खिलाफ हुए अत्याचारों के जैसे हैं। देश भर में आने वाले मजदूरों को यूपी में रोक दिया जा रहा है। सवाल प्रवासी मजदूरों के घर लौटने का है, लेकिन नेता जिस तरह सियासत में उलझ रहे हैं, जो कोरोना के संक्रमण काल में कहीं से भी जायज नहीं है। बेहतर तो ये होता कि मिलकर सब मजदूरों का दर्द बांट लेते, मजदूरों को घर पहुंचाने में जी जान लगा देते। साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। बेबसी और बदहाली की ये तस्वीरें आखिर बदलती क्यों रही, जब सियासत इस तरह से हावी है मजदूरों के नाम पर।